डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन इन योर होम्स। चलिए अब हम एक चैप्टर रीड करते हैं। दिस इज द सेक्शन वन ऑफ चैप्टर नंबर टू, जिसमें एक लर्निंग के बारे में बताया गया है कि लर्निंग जो है एक फन के जैसे हमें लेनी चाहिए, मज़े से लर्निंग करनी चाहिए, मज़े से सीखना चाहिए जो भी हम कर रहे हैं। जो ये कहानी है, ये एक कहानी एक लड़की की कहानी है जो जैपनीज गर्ल है, जो जिसकी मदर जो है उससे बड़ी परेशान होती है क्योंकि वो क्वेश्चनिंग करती रहती है। इसीलिए वो एक रेल रोड कार जो कि एक क्लासरूम के जैसे ही मतलब स्कूल होता है चलता फिरता, उसमें अपनी बच्ची को भेज देती है पढ़ने के लिए। तो उसके बारे में ये स्टोरी है। लेट्स रीड। First enjoys, no one had arrived yet when Toto Chan got to the door of the railroad car the headmaster had told her would be her classroom. It was an old fashioned car, one that still had a door handle on the outside. You took hold of the handle with both hands and slid the door to the right. Toto Chan's heart was beating fast with excitement as she peeped inside. Oh! इन दिस पर्टिकुलर स्टेंजा, टोटो चैन है वो उस लड़की का नाम। वो कोई भी नहीं आया होता अभी तक उस रेल रोड कार में जो चलता फिरता स्कूल है उसमें, कोई नहीं आया होता। हेडमास्टर जो है वो एक ओल्ड फैशन्ड कार है जिसमें चढ़ती है वो, और जो हेडमास्टर है वो उसको अंदर ले लेता है और वो बड़ी एक्साइटेडली अंदर चली जाती है। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस स्टेंजा मैं आपको कुछ जो न्यू वर्ड्स दे रही हूँ, आपने उसके मीनिंग्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करने हैं जिससे पता लगे कि यू आर डूइंग वेल इन योर होम। ओके, दिस इज रेल रोड एंड बीट। ओके बीटिंग। नेक्स्ट स्टैंजा इज, स्टडिंग हियर वुड बी लाइक गोइंग ऑन अ परपेचुअल जर्नी। The windows still had baggage racks above them. The only difference was that there was a blackboard at the front of the car and the lengthwise seats had been replaced by the school desks and chairs, all facing forward. The hand steps had gone too, but everything else had been left just as it was. Toto Chan went in and sat down at someone's desk. In this particular stanza, hame ye bataya hai कि जो टोटो चैन है उसको ऐसा लगता है कि ये परपेचुअल जर्नी है जो ना कभी ख़त्म होने वाली है, और बड़ी एक्साइटेड होती है उसके लिए। कार जो है एक स्कूल के जैसे ही है, एक क्लासरूम के जैसे ही है, बैगेज रैक्स भी लगे हुए हैं और जो चेयर्स हैं वो फेसिंग फॉरवर्ड है। दीज आर द अंडरलाइंड वर्ड्स, यू हैव टू फाइंड द मीनिंग्स। स्ट्रैप्स, hand straps resembled perpetual journey, baggage racks. Okay, next is the wooden chairs resembled those at the other school, but they were so much comfortable she could sit on them all day. Toto Chan was so happy and liked the school so much she made a firm decision to come to school every day and never take holidays. टोटो चैन उसमें जाकर अपने आप को कंफर्टेबल फील करती है, बहुत हैप्पी होती है और फर्म डिसीजन बना लेती है कि वो कोई छुट्टी नहीं लेगी और स्कूल एवरीडे आया करेगी। यू हैव टू फाइंड द मीनिंग ऑफ दीज अंडरलाइन वर्ड्स, रिजेंबल्ड, फर्म डिसीजन। ओके, नेक्स्ट इज, टोटो चैन लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। शी न्यू द ट्रेन वॉज स्टेशनरी बट इट वॉज बिकॉज द फ्लावर्स एंड ट्रीज इन द स्कूल ग्राउंड वर स्वेइंग स्लाइटली इन द ब्रीज, इट सीम टू बी मूविंग। इन दिस पर्टिकुलर स्टैंजा जो टोटो चैन है अंदर बैठी बैठी देखती है कि सारा कुछ रुका हुआ है, पर जब वो लहराने लग जाते हैं ब्रीज में, जो ट्रीज और फ्लावर्स हैं वो उसको मूविंग लगने लग जाती है, पहले उसको स्टेशनरी लगता है। Underlined words, you have to find the meanings of stationary, slightly, swing, breeze. Okay, I'm so happy, she finally said out loud. Then she pressed her face against the window and made up a song. जब भी वो happy होती है वो बहुत गाना गाने लग जाती है, जब वो बहुत खुश होती है।
नेक्स्ट इज जस्ट एट दैट मोमेंट समवन गॉट ऑन, इट वॉज अ गर्ल. उसी टाइम एक लड़की अंदर एंटर करती है. ओके, शी टुक हर नोटबुक एंड बच्चे दिस वॉज पेज नंबर 23, टर्न टू पेज नंबर 24. एक लड़की अंदर आती है. शी टुक आउट हर पेंसिल बॉक्स आउट ऑफ हर स्कूल बैग एंड पुट देम ऑन हर डेस्क. देन शी स्टूड ऑन टिपटो एंड पुट द बैग ऑन द रैक. शी पुट हर शू बैग अप देयर टू. टोटो चैन स्टॉप्ड सिंगिंग एंड क्विकली डिड द सेम. आफ्टर दैट अ बॉय गॉट ऑन. He stood at the door and threw his bag on the baggage rack as if he were playing basketball. It bounced off and fell on the floor. एक लड़का एंटर करता है, पहले एक लड़की एंटर करती है, उसके बाद एक लड़का एंटर करता है और वो गाना गाना बंद कर देती है. और जो बॉय होता है वो बैगेज रैक को अपना जो है बास्केटबॉल जो ग्राउंड समझ लेता है, बास्केटबॉल का नेट समझ लेता है और वो अपना बैग उछाल के रैक की तरफ रखना चाहता है. बैड शॉट, उसका जो बैग जब गिर जाता है तो वो बैड शॉट लगता है उसको. फिर जब बैड शॉट सेट द बॉय टेकिंग एम अगेन द अगेन फ्रॉम द सेम प्लेस. दिस टाइम इट स्टेड ऑन नाइट शॉट. ही शाउटेड फॉलोड बाय no bad shot as he scrambled on the desk and opened his bag to get out his notebook and pencil box. His failure to do must evidently made it count as a miss. जब उसका बैग गिर जाता है तो वो बैड शॉट कहता है और फिर उससे ट्राई करता है तो फिर उसका बैग पहुंच जाता है बैगेज रैक पे तो फिर वो नाइस शॉट बोल के बैठ जाता है, उछल कर बैठ जाता है. यू हैव टू फाइंड द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स बच्चे. बैगेज रैक, एविडेंटली, स्क्रैम्बल्ड, शाउटेड, फॉलोड. ओके, इवेंचुअली देयर वर 9 पीपल्स इन द कार. दे कंप्राइज्ड एज द फर्स्ट ग्रेड एट टोमोकेक्यू. दे वुड ऑल बी ट्रेवलिंग टुगेदर एट द सेम ट्रेन. स्कूल का नाम है ये टोमोकेक्यू. ओके, वो उसको जो है उस धीरे धीरे करते उसके अंदर 9 पीपल्स हो जाते हैं, 9 स्टूडेंट्स चढ़ जाते हैं. इन दिस पैराग्राफ यू हैव टू फाइंड द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स. ओके, नेक्स्ट इज गोइंग टू स्कूल इन अ रेल रोड कार सीम्ड अनयूजुअल इनफ बट द सिटिंग अरेंजमेंट टर्न्ड आउट टू बी अनयूजुअल टू. एट द स्कूल अदर स्कूल Each pupil was assigned a specific desk, but here they were allowed to sit anywhere they liked at the time, any time. After a lot of thought and a good look around, Toto Chen decided to sit next to the girl who had come after her that morning. In this paragraph, हमें ये बताया गया कि बाकी schools की तरह इस बाकी schools में जो seats होती हैं वो assign की होती हैं, पर इस railroad car में जो फन वाली कार है, फन वाला स्कूल है, इसमें स्पेसिफिक डेस्क नहीं है, कोई भी स्टूडेंट कहीं भी बैठ सकता है. इसीलिए वो सोचती है कुछ और इधर उधर देखती है और एक गर्ल के साथ जो पहले गर्ल आती है उसके पीछे बैठ जाती है, अपनी सीट ले लेती है. तो बच्चे कैसा लगा आपको ये लर्निंग इज़ फन, यानी कि इसमें एक क्लासरूम के बारे में बताया गया है जिसमें वो फ़न के साथ बच्चे लर्न करती है सब कुछ. आपको भी ऐसा ही करना चाहिए, हमेशा स्टडी को मज़े से करना चाहिए, एक्साइटेडली करना चाहिए, स्टडी को बोरिंग नहीं समझना चाहिए. तो कैसी लगी स्टोरी टोटो चैन? तो बच्चे आपको इसके बाद इस वीडियो के एंड में आपको पिक्स भेजी जाएंगी जिसमें कि आपके लिए स्पेशल टास्क है. ये टास्क तो आपने करना ही है, जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं उसके आपने मीनिंग्स पता करने हैं, पर इसके अलावा भी आपको जो टास्क भेजे जाएंगे, एक तो ये न्यू वर्ड्स हैं पूरे लेसन्स के जिसकी आपको फ़ोटो भी भेजी जाएगी, आपने इनको